दोस्तों, हम में से बहुत लोग सिंपल टाइप के पेट्स पसंद करते हैं। उनमें से बर्ड एक बहुत सिंपल और एकदम इजीएस्ट पेट्स होते हैं। बहुत लोग ले आना चाहते हैं, बट वो जानते नहीं कि उसको कैसे केयर किया जाए। तो इस वीडियो में आपको बर्ड्स केयर के बेसिक के बारे में बोलूँगा मैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बर्ड केयर की बेसिक, आप कोई भी बर्ड लो, पैरेट लो, कोई भी मतलब लार्ज मीडियम स्मॉल टाइप का बर्ड लो, उनमें से सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप बर्ड किस पर्पस के लिए ले रहे हो। पालने के लिए, शो ऑफ के लिए, या फिर घर में ऐसे ही रहने के लिए, आपको कंपनी देने के लिए, या फिर ब्रीडिंग के लिए। तो उस टाइप पे आपका जो केयर है वो मतलब डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस। अगर आप ब्रीडिंग के लिए ले रहे हो तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको उसको एक अलग एनवायरनमेंट देना होगा, अलग केस सेटअप होना होगा, केस में नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से होना होगा ताकि वो अपने आप को वहाँ पे सेफ फील करे। आप हर वक्त वहाँ पे नहीं जा सकते, आपको उसका प्रॉपर केयर करना होगा, उसके मल्टीविटामिन्स, रेगुलर मेडिसिन अप्लाई करने होंगे अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हो। तो अगर आप ऐसे ही लाना चाहते हो अपने घर पे, ऐसे बर्ड्स रखना चाहते हो एक दो, तो फिर आप रख सकते हो। उसमें आपका मतलब सबसे बेसिक पॉइंट्स मैं बोलता हूँ कि बर्ड्स रखने के लिए क्या होगा कि आपको उनको खाना जो है हर रोज़ फ्रेशली ऐड करना होगा। खाना पानी हर रोज फ्रेशली ऐड करना होगा। बहुत बर्ड्स को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, लाइक मोस्ट कॉमन बजरीगर, बजी स्पैरो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड है हमारे इंडिया में। मतलब हर एक बंदा बर्ड लवर में ये बर्ड्स पालता ही है, मेरे घर में भी है। वो बर्ड्स का जो प्रॉब्लम है कि लूज मोशन होता है, तो उसको हफ्ते में दो टाइम में ORS फीड करता हूँ। तो डिफरेंट बर्ड्स टाइप डिफरेंट चीज़ें आपको ऐड करना होगा, मल्टीविटामिन देना होगा, बहुत से अदर कैल्शियम्स देना होगा, ऐड करना होगा। उन सबको आपको ऐड करना है बारी बारी में, वीकली आपका मतलब जो डाइट है उसमें चेंजेस लाना होगा। मैं कैल्शियम का केटल बोन रख देता हूँ, प्लस मैं केज में क्या करता हूँ कि एक दिन प्रोटीन देता हूँ, हफ्ते में एक दिन मैं एग वाइट देता हूँ, और दो एक दिन मैं ये देता हूँ, एक का जो शेल होता है वो मैं देता हूँ, एक दिन मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स पहले दे देता हूँ, और फ्रूट वेजिटेबल्स वो ज़्यादा खाते हैं और उसका जो दाना होता है वो कम खाते हैं, एक दिन मैं मतलब रेगुलर में दाना देता हूँ, और कभी कभार मैं फ्रूट वेजिटेबल्स स्किप भी कर देता हूँ। तो इस टाइप से आपको चलना होगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर रोज़ आपको अपने डॉग का जो बर्ड्स का जो पानी है, फूड है, वो हर रोज़ आपको रिन्यू करना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पी करते हैं, और वो पी अपने खाने में पानी में डेफिनेटली गिरेगा, 120% गिरेगा, कभी कभार वो जानबूझ के भी करते हैं, गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको हर रोज़ ये सब चेंज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा करके पानी दे दिया, दो दिन बाद दूंगा, कभी नहीं होगा, हर रोज़ आपको देना होगा। और कभी कभार तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि गर्मी के सीज़न में दिन में दो दो टाइम भी पानी चेंज करके देता हूँ, खाना ख़त्म हो जाता है तो खाना देता हूँ। तो ये सब भी आपको करना होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा कि उसका केज को जो है रेगुलर क्लीन करना होगा। केज का जो मतलब अंदर से नीचे तक, नीचे बहुत से पी जमे होंगे, अगर आप रोज़ कर पाओ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप हफ्ते में या फिर महीने में एक बार करो, बड़ा केज हो तो आपको अच्छे से करना होगा। उस पर एंटीसेप्टिक लाइक फिनाइल, डेटॉल, वो सब एंटीसेप्टिक स्प्रे करना होगा ताकि कोई बैक्टीरिया ना रहे। और केज का जो सेटअप है वो प्रॉपर नेचुरल एनवायरनमेंट से भरा होना चाहिए, वो सेटअप में उनको सेफ फील होना चाहिए। अगर आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप उसको किसी भी टाइम तंग नहीं कर सकते, आपको उसको एक अपना अकेला पार्ट देना होगा। आपको ये बर्ड्स को ये फील होना चाहिए कि वो सेफ है, वो सिक्योर है वहाँ पे। अगर वो अंडे ले करे तो उसके अंडे को कुछ नहीं होगा। वो फीलिंग जब तक बर्ड्स को अंदर से नहीं आएगी तब तक वो एग ले कभी नहीं करेगा। बहुत से अदर बर्ड्स है, अफ्रीकन ग्रे पैरोट, हैंड टेम आप ले सकते हो, उन सबका उतना ज़्यादा केयर नहीं होता क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं, वो पी जाके अलग जगह करते हैं। और अगर वो हैंड टेम होंगे, घर पे रहेंगे, हैंड टेम एक चीज़ है और केज में रहना एक चीज़ है। कई कबार मैंने बहुत से घरों में देखा है, मेरे पहले वाले घर में था, कि केज के अंदर बर्ड्स रहते हैं घर पे कहीं भी लटका हुआ। और हैंड टेम बर्ड्स क्या होते हैं, वो कुछ ही टाइम केज में रहते हैं और ज़्यादा टाइम बाहर घूमते हैं, कभी कभार हाथ में भी आके बैठते हैं, वो होते हैं हैंड टेम बर्ड। तो हैंड टेम बर्ड्स का बहुत ज़्यादा केयर नहीं होता, उनको बस आप अपने हाथों से भी खाना खिला सकते हो, वो एक दो टाइम खाना खाएंगे, उसके बाद किसी न किसी चीज़ से खेलेंगे, च्यू करेंगे, अपने में मस्त रहते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक जो आपको जानना होगा अगर आप एक बर्ड्स लेना चाहते हो। तो अगर आप बर्ड्स लो तो आपको ये नोटिस करना होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, दिन का आधा घंटा उन पे इन्वेस्ट करना होगा, और वो 120% आधा घंटा आपका जाएगा ही अगर आप प्रॉपरली केयर करोगे। तो ये दिमाग में रखना कि बर्ड्स का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। कुछ कुछ डिजीज़ आती है, उनके लिए प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको मेडिसिन चाहिए, वो बर्ड्स अकॉर्डिंग वेरी करता है क्या क्या डिजीज़ होती है, क्या क्या बर्ड्स की, वो सब वीडियोज़ मेरे YouTube चैनल में भी है और आगे भी, और बाकी जो नए आए वो भी आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
टॉप 5 मोस्ट कॉमन बर्ड जो इंडिया में पेट्स मान के पाले जाते हैं, उसका भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, वो मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।